हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द सिविल्स चैट। कैसे हैं आप सभी? हम एचपी टीजीटी कमीशन की जो जनरल स्टडीज का पोर्शन आना है, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जो भी कुछ इंक्लूड होता है वो हम करने जा रहे हैं। शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? जस्ट इन्फॉर्म मी कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ आप सभी को? यस, चलिए जस्ट इन्फॉर्म मी कि क्या मैं ऑडिबल हूं, तो हम शुरू करें अपनी आज की क्लास को। चले, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमिडेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज रिनॉन्ड इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर? हां जी, शिल्पकारी के, मूर्ति कला के क्षेत्र में इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है प्रसिद्ध है? यस, तो बताएं जल्दी कि इनमें से मूर्ति कला में कौन प्रसिद्ध है? हाँ जी, मंजीत बावा, सरोज वैद्यनाथन, राम किंकर या फिर राजा रवि वर्मा। सो हियर दिस मूर्ति कला की बात की जा रही है, तो मूर्ति कला में है राम किंकर। राम किंकर जो है वो मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं, जबकि जो आप सभी राजा रवि वर्मा को क्लिक कर रहे हैं वो एक पेंटर है। ठीक है जी, तो राजा हमारे राम किंकर बैज जो है ये एक मॉडर्न स्कल्पचर है और पेंटर है, राइट? चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जहां पर जो है डिफरेंट पर्सनैलिटीज लिखी हुई है और उनका आर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज और उनका आर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कौन सा सही है। उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन है, किस पर्टिकुलर आर्ट से बिलोंग करते हैं? हेमा मालिनी, बिरजू महाराज, पंडित शिव शर्मा। यस, तो ध्यान से यहां पर आपको क्या करना, मैच द फॉलोइंग है। यस, उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे जुड़े हुए हैं? देखिए, ये है सरोद से जुड़े, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद बजाते हैं, हेमा मालिनी भरतनाट्यम की है, बिरजू महाराज कथक के हैं, पंडित शिव शर्मा संतूर के हैं। यहां पर आप देखेंगे कि हेमा मालिनी भरतनाट्यम डांसर, बिरजू महाराज कथक डांसर, बहुत सारे डांसेस इन्होंने कोरियोग्राफ भी करे हैं। ऑन द अदर हैंड, उस्ताद अलाउद्दीन खान इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, क्या बजाते हैं? सरोद। और जो हमारे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो है माना जाता है कि हमारे पहले ऐसे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने संतूर को प्ले करा है, अ फोक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। डन, तो ये चारों के चारों डिफरेंट आर्ट फॉर्म से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आने की वजह से जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद वहां पर जो है काफी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी एक रैली चल रही थी और वहीं पर जो है कांड हुआ था जलियांवाला बाग। तो आप ये बताएंगे यहां पर किन्होंने जो है अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबरशिप को छोड़ दिया था? और इसके साथ यहाँ पर आप दो चीजें और याद रखें, यहाँ पर महात्मा गांधी ने केसरी हिंद और नाइटहुड अवार्ड जो है वो भी त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अब यहाँ पर क्या आंसर है, शंकरन नैयर ने वाइसरॉय काउंसिल को छोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस? हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी एसोसिएशन को बनाया था? आजाद हिंद फौज, फॉर्ड ब्लॉक, इंटरनेशनल कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो इंटरनेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में इंटरनेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। दादा भाई नौरोजी, ये सारे जो लोग हैं इसके फाउंडिंग फादर्स में से एक है, जबकि आजाद हिंद फौज मोहन सिंह, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनती है, एम एन रॉय जो है इसके मेन फाउंडर में से एक है, एम एन रॉय 1925 में जो बनती है।
तो यहाँ का उत्तर क्या सही रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हियर। पांचवा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डच फैक्ट्री वॉज सेटअप अर्लिएस्ट। हाँ जी, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जगह पर जो है सबसे पहले डच की फैक्ट्री बनी थी। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाल है जो भारत में आता है, ठीक है, थ्रू द सी रूट। फिर उसके बाद जो है डच ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और डेन्स, ये सारे जो है भारत में आते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है तो सबसे पहले कहाँ पर जो है अर्लीस्ट इनमें से कौन सी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों की चारों किसी ना किसी टाइम पर डच की फैक्ट्रीज यहाँ पर रही हैं, तो आपको ये बताना है कि अर्लीस्ट वन कौन सी है। देखो सबसे पहली जो डच की फैक्ट्री बनी थी दैट इज द मसूलीपट्टनम, उसके बाद क्या थी, पुलिकट थी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, अगर मसूलीपट्टनम आंसर में नहीं है तो इसका मतलब कोई और आंसर नहीं सही, पुलिकट जो है डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखें सबसे पहले मसूलीपट्टनम जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में है, फिर उसके बाद पुलिकट 1610 में, उसके बाद सूरत में 1616 में, उसके बाद बिमलीपट्टनम 1641 में, आफ्टर दैट कराईकल 1645, फिर चिंसुरा बाजार जो कि बंगाल में है, फिर कासिम बाजार 1658। राइट, एंग्लो डच रिवेलरी भी आपको चिंसुरा बाजार जहां पर बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ चिंसुरा बाजार कहा जाता है 1759 में, जो ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई थी। डन, यस, मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चल अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 60 हियर। बुरहान उल मुल्क सादत खान, सादत खान सिंपल, चाहे आप इसका कंप्लीट नेम ले लीजिए चाहे आप सिंपल सादत खान बोल दीजिए, कि इस इन्होंने कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट को जो है एस्टैब्लिश करा। अब देखें जब लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड होता है, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, दैट इज द इंडिपेंडेंट स्टेट, सक्सेसफुल स्टेट एस्टैब्लिश होती है। राइट, और इसी टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिल गया किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है अब भारत को कंक्वेस्ट करने की राह पर है, लेटर मुगल्स वाला जो टाइम पीरियड है, फॉरेन इन्वेजन्स भी देखने को मिलती है, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का अटैक देखने को मिलता है। तो उसी समय अवध, मैसूर, बंगाल, हैदराबाद, केरल, जाट स्टेट्स, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सादत खान के द्वारा अवध जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, बंगाल जो है, हैदराबाद जो है निजामुल मुल्क असफजा जो टाइटल ले लेता है बाद में असफजा का निजामुल मुल्क, हैदर अली एंड मुर्शिद कुली खान स्टार्टेड देयर रूल एट मैसूर एंड बंगाल। हैदर अली ना वोदियार ब्रदर्स से एक्चुअली ये रीजन को लेता है, वोदियार ब्रदर्स से, तभी जब एंग्लो मैसूर वॉर होती है तो उसके बाद जो है वोदियार ब्रदर्स में से, जो वोदियार डायनेस्टी में से जो है बच्चे कुछ लोग रहते हैं उन्हीं को उनका मैसूर जो है थोड़ा सा दे दिया जाता है। चलिए, और बंगाल को कौन करता है, मुर्शिद कुली खान, हैदर अली मैसूर और मुर्शिद कुली खान बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइड अप विद द गिफ्ट सिटी टू ऑफर द कोर्सेज इन इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, गिफ्ट सिटी के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर रूप से जो है अपना एक संगठन किया है, बीमा, पुनः बीमा, जोखिम प्रबंधन, प्रतियोगिताओं में पाठ्यक्रम, ये सब कुछ जो है गिफ्ट सिटी में आयोजित किया जाएगा। एशियन इंश्योरेंस अकेडमी, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी या फिर बोथ 1 और 2। यस, किसने जो है अपना एक साइन टाइप करा गिफ्ट सिटी, दैट्स इन द गुजरात, है ना। तो किसने करा है, ये करा है नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी ने, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो रिसेंटली जो है एटमोसफेयर में जो हमारी ह्यूमिडिटी, एयर्स जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, ये किस यूनिवर्सिटी ने इसको रिसर्च को करा है। यस, इस रिसर्च को किसने जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने की बात करी है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ द मैसाचुसेट्स। चले क्वेश्चन नंबर 9th देखें, पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। हाँ जी,
भीमसेन जोशी जो है ये किस फील्ड से बिलोंग है, संबंध रखती हैं? यस, पंडित भीमसेन जोशी किस पर्टिकुलर फील्ड से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या फिर राजनीति? किससे इनका संबंध है? क्लासिकल म्यूजिक से इनका संबंध है। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लासिकल म्यूजिक से इनका संबंध है। भारत रत्न से ये सम्मानित है, पंडित भीमसेन जोशी। चलें अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ। किसके सैंक्शन के बिना, आप ये समझें, किसके सैंक्शन के बिना, किसके अनुमति के बिना, संसद के बिना भारत में कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? हां जी, संसद, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो भाई कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया हो, बजट हो, ये सब कुछ कहाँ पेश होता है? हमारे पार्लियामेंट में पेश होता है। तो आंसर क्या रहेगा? पार्लियामेंट, संसद रहेगा ना आंसर। चल क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द लोकसभा ऑन पर्टिकुलर डे? एक दिन में अधिक से अधिक, मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं, जिसका जवाब सामने वाले मिनिस्टर को ऑन द फ्लोर ओरल वे से देना होगा। ओरल जवाब इस स्टार्ट क्वेश्चंस का देना होता है। तो एक दिन में कितने क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं? तो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 20 पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, जिसका ऑन द फ्लोर सामने वाले मिनिस्टर को जो है ओरल में आंसर देना होता है। स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम आ चुके हैं। विच प्रोडक्ट्स ऑफ राजस्थान हैव गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिसेंटली? रिसेंटली जीआई टैग्स मिले हैं, जीआई चार्ट, जिसमें तमिलनाडु ने टॉप करा है विद 58 आइटम्स, राइट? अब यहां पर आपको ये बताना है कि राजस्थान में कौन सा रिसेंटली को जीआई टैग मिला है। उदयपुर की कोफ्तकारी धातु शिल्प, जोधपुर की बंदेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, यस, तीनों को जो है जीआई टैग रिसेंटली मिला है। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। चले आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द लीडर्स संबद कौमुदी? ये पर्टिकुलर जो संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी, इसके एक प्रकार से आपको बताना है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यस, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय, ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट एंड टू द डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज? अब ये क्वेश्चन, पहले आप आंसर्स इसके अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शंस इसके अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका उत्तर देना कि महात्मा गांधी ने जो ये व्रत लिया था, है ना, 1932 में, कि भाई पानी नहीं पियेंगे, कुछ नहीं पियेंगे, तो ये आप बताएं कि किस पर्टिकुलर कारण लिया था, कारण क्या था इसका? कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई द इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, इसके कारण लिया था, या फिर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑन ऑफ ओपिनियन, या फिर रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस अ कम्युनल अवार्ड, या फिर नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स? बस ये बता, इन तीनों में से कौन सा कारण था महात्मा गांधी ने जो ये व्रत लिया था, और वो फिर येरावाड़ा उस समय जो है एक पैक्ट भी साइन हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में, लेकिन उसे साइन किसने करा था? मदन मोहन मालवीय ने करा था, जो कि इसके कारण हुआ था, जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था रामसे मैकडोनल्ड के कारण, पूना पैक्ट जो है साइन किया गया था। तो यहां पर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू एनरोल द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो प्रधानमंत्री, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये जो चलाई गई है, इसके आपको ये बताना है लिमिट क्या है, मतलब स्टार्टिंग लिमिट क्या है? 18, 21, 27 या फिर 24? और मैक्सिमम कितनी है ये भी बताओ, मैक्सिमम कितनी है? इसमें एक्सीडेंटल क्लेम दिया जाएगा, दैट इज 2 लाख का, अगर पार्शली डिसेबल्ड होता है तो 1 लाख का। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम एज कौन सी है?
18 से 70, ठीक है? तो 18 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो 18 से 70 आयु तक जो है लोग इसके अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 लाख का क्या दिया जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ क्लेम दिया जाएगा, और 1 लाख का अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है। और हर वर्ष क्या होगा, इसमें से 12 रुपये जो है आपके अकाउंट से कट जाएंगे। आई होप आप में से अगर किसी ने ये बीमा योजना में अपना खाता खुलवाया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच रीजन। हाँ जी, ये बताना है आपको कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड, अगर आपने खोला है ये बताएं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। वेरी गुड, काफी बच्चों के सही आंसर है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। और इसे दर्जा कब मिला था, 1879 में एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया था 1933 में, उसके बाद अपग्रेडेड टू द नेशनल पार्क इन द ईयर 1955। चले चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 75 हुनर हट्स। तो पहली चीज तो 75 हुनर हट्स पता चल गया कि जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 ईयर्स वाला, है ना, वहां पर काफी कुछ, जैसे 75 रामसर साइट्स की बात करी गई थी, अब ये 75 हुनर हट्स जो आर्टिस्ट लोग हैं हुनर हट्स। तो ये बताओ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमएसएमई, ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किसके अंडर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। डी इज द करेक्ट आंसर है, डी इसका सही उत्तर है, नो ए बी सी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा रेलवे स्टेशन वॉज सीन इन रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। अच्छा ये रेलवे स्टेशन कहां पर है, कौन सा रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है। यस, अच्छा अभी रिसेंटली बैकुला रेलवे स्टेशन भी न्यूज में था। बैकुला रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है, यस, यहाँ का सही उत्तर क्या है, असम में स्थित है, मणिपुर, मणिपुर, दैट इज द खोंसा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। और जो बैकुला रेलवे स्टेशन है दैट्स इन द महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉनिक बर्ड लोगो। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, देखा होगा, काफी लोग आप में से ट्विटर यूज भी कर रहे होंगे, तो ट्विटर का साइन क्या चेंज करा है। और ऐसा क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली मानकर चले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन जो है आने वाला, बिकॉज ये जनरल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, हर कोई ट्विटर यूज भी कर रहा है, और यही चीजें एग्जामिनर जो है ना देखना चाहता है कि आप कितने क्विक है डेली लाइफ के साथ, कितना का आपका ये नॉलेजेबल चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट एक्स, है ना, अल्फाबेट एक्स जो है इससे चेंज कर दिया है बर्ड को एक्स से। चलो क्वेश्चन नंबर 20, फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत में फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हुई है, किसके लिए हुई है, रीजनल, जहां पर सिविल एविएशन है वो पहुंच सके रीजनल रीजन तक, तो है ये कहां पर हुई है इनमें से, डन, ये आपको बताना है कि ये कहां पर रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है, जहां पर उड़ान स्कीम जो हमारी सरकार की है, उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के ऊपर जो है जोर दिया गया है, वो भी रीजनल एरिया तक जो है लोगों तक ये स्कीम का फायदा पहुंचा सके। तो ये कहां पर है, खाजुराहो टेम्पल्स में हुई, अभी हुई है ना, खाजुराहो टेम्पल्स कहां पर स्थित है, दैट्स इन द मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द एशियन कंट्रीज बींग होस्टेड बाई विच कंट्री। रिसेंटली कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर फॉर द एशियन कंट्रीज, इस चीज को होस्ट, इस कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करने जा रहा है, किसने होस्ट करी है, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया ने न्यू दिल्ली में जो है इसे होस्ट करा है, विज्ञान भवन जो वहां पर है वहां पर इसे होस्ट किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो भी आयुष जो हमारी मिनिस्ट्री है
राइट, आयुष जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो है ये होस्ट करी गई है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे होस्ट करा है, जुलाई 20, 2023 में हुई है, न्यू दिल्ली में ये हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अभी से बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, सिक्स स्केड्यूल के बारे में आपको बताना है कि द सिक्स स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिंपल सा प्रश्न है कि बस आपको उन चार स्टेट्स का नाम बताना है जो स्केड्यूल सिक्स में आती है, क्योंकि स्केड्यूल फाइव में ऑल ओवर द इंडिया जहां पे भी स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब्स है उसके बारे में डील करा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्स के बारे में बता रहे हैं। सिक्स्थ स्केड्यूल में क्या क्या आते हैं भैया, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चार स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल। चल क्वेश्चन नंबर 23 देखें, फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, हां जी चौथा शेड्यूल आपको बताना है किससे बिलोंग करते हैं। यस, फोर्थ शेड्यूल डील करता है किसके साथ, एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, दैट्स द राज्यसभा की सीट से बिलोंग करता है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर है हमारे 12 स्केड्यूल, ओरिजिनली कितने थे, 8 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, 12 हो गए, डन। स्केड्यूल 1 स्टेट एंड यूटी किसे डील करता है, स्केड्यूल 2 जो है स्पेशल पावर्स एंड द सैलरी डिटेल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, डिप्टी एक्सेट्रा। उसके बाद स्केड्यूल 3 ओथ से डील करता है, 4 जो है सीट से डील करता है, राज्यसभा, एमपी काउंट ऑफ द स्टेट एंड द यूटी में। स्केड्यूल 5 स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल और डिटेल्स पूरे भारत में जहां भी है। 6 डील करता है वही असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के ट्राइबल एरिया से। 7 किससे डील करता है, 7 डील विद द हमारी जो 3 लिस्ट है, दैट इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है। 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें 22 लैंग्वेजेस है। 9 किससे डील करता है, 9 डील विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन वैलिडेशन। उसके बाद 10 डील्स विद द पार्टी चेंज, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 पंचायती, 12 म्युनिसिपैलिटीज। चलें क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। हां जी, हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में कौन जो है, किसके पास अथॉरिटी है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना या घटाना। यस, हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है घटाना, नो पार्लियामेंट, इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ए आएगा इसका सही उत्तर। चलें क्वेश्चन नंबर 25, वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डे एंड टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। हां जी, जो वेरिएशन होती है जो वेरिएशन होती है ये किसके कारण होती है, अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस या फिर अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इलेप्टिकल मैनर, लैटिट्यूडनल पोजीशन टू द प्लेस या फिर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। तो यहाँ का जो आपका सही उत्तर रहेगा देखिए वो रहेगा डी। होता क्या है इस चीज को पहले समझे, 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं जो डे और लाइट, डे नाइट का जो डिफरेंस है। एक तो हमारी धरती जो है वो क्या है, टिल्टेड है टुवर्ड्स इट्स एक्सिस, टिल्टेड है, ठीक है, टुवर्ड्स अ नॉर्थ पोल। अब दूसरी चीज, फिर ये रेवोल्यूशन भी करती है सन के सराउंडिंग्स में, तो दोनों चीजें मिलकर क्या करती है, वेरिएशन जो है क्रिएट करती है। दोनों चीजें, हमारी धरती का रेवोल्यूट होना और रोटेशन होना, टिल्टेड होना अपनी ही एक्सिस पर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं, Which of the following gas has the largest percentage by volume in Earth atmosphere? Earth की atmosphere में सबसे ज्यादा जो है किस particular gas पाई जाती है, कौन सी gas जो है पाई जाती है Earth के atmosphere में, oxygen, nitrogen, CO2, argon, कौन सी पाई जाती है।
यस नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज्यादा, 78% इसकी मात्रा है नाइट्रोजन की। यहाँ पर देखेंगे 78% क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की वैल्यू आती है नियर अबाउट 21, 20.95। उसके बाद आती है आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद अदर गैसेस, बाकी सारी जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेक्सोन एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, बाकी गैसेस हैं जिनकी मात्रा बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन जो है डिफरेंट अमाउंट्स में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम पहुंच चुके हैं। व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, केम इनटू द फोर्स बोला है, ये नहीं बोला कि कब एडॉप्ट किया गया, ये बात याद रखें, एडॉप्ट नहीं पूछा, ये बोला है कि कब जो है एक्शन में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि बात करता है कि किस प्रकार से हम इमिशन करेंगे हार्मफुल गैसेस का जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो ये आया तो 92 में एडॉप्ट किया गया था, लेकिन फोर्स में कब आता है, 2005 में आता है। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि UNFCCC के द्वारा बनाई जाती है 1992 में, लेकिन फोर्स में कब आता है, 16 फरवरी 2005 को। जन चले, और ये किसकी बात करता है, 6 ग्रीन हाउसेस गैसेस मेनली, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, इन सभी गैसेस को जो है कम करने की बात करता है क्योटो प्रोटोकॉल में। चले आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंच गए अब हम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सीवीसी, हां जी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड जो है किसे आयुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल, रुदी कॉटजैन, सुमित अग्रवाल, के वी कामत, किन्हें करा गया है, यस इसका सही उत्तर दें, सीवीसी के हेड कौन बनाए गए हैं, सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल जो है बनाए गए हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हु रिसीव्ड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज एंड रिकॉग्नाइज द ऑफर्स ऑफ टू वेलकम द रिफ्यूजीज, हाँ जी अपनी रिफ्यूजी पॉलिसी के लिए किनको जो है यूनेस्को का 2022 का जो है यूनेस्को पीस प्राइज मिला है, किसको मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है, एंजेला मर्केल, इनकी रिफ्यूजी पॉलिसी के कारण, जर्मन जर्मन चांसलर हैं, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। चलिए द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, इंटरनेशनल मून डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, मून डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस इसी पर्टिकुलर दिन पर जो जिस भी दिन मनाया जाता है आप ये चूज करेंगे कब मनाया जा रहा है, और इस दिन जो है आर्टेमिस 1 जो हमारा ये नासा का मिशन था वो जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है उसके तहत जो है मून पर लैंडिंग की गई थी पहली बार, तो इसलिए ये 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है, 20 जुलाई जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था इंटरनेशनल मून डे, यूनाइटेड नेशंस ने, राइट कब करा था, 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था, बाय फुल ऑन इसको वोट मिली थी, और इंटरनेशनल मून डे मार्क्स किया जाता है फर्स्ट लैंडिंग बाय ह्यूमंस ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ द अपोलो 11 लूनर मिशन, जो कि नासा का मिशन अपोलो 11 उसके तहत जो है ये फर्स्ट डे था, इसलिए इसको मनाया जाता है फर्स्ट लैंडिंग बाय ह्यूमंस। चलो सो हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट, अब जो है स्टे ट्यून्ड, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं आपकी क्लास लेने के लिए, राइट आई होप ये सेशन आपके लिए काफी मददगार साबित हो आपके एग्जाम्स के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए, सभी जो है अपनी अपनी इच्छाएं जो है उनकी पूरी हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
मैंने ऑन नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया। अभी आ रही है आवाज नक्शु जी? अभी तो आवाज आ रही होगी, वो ऑन कर दिया मैंने। बताइए अभी क्लियर है? इज इट क्लियर गाइज? ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोलो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, राइट? तो एक स्पेलिंग इसमें राइट होगी, सो वेंजियंस की राइट स्पेलिंग बताएंगे साहब, ठीक है? और सेशन को लाइक और शेयर करते चलना है, बहुत कम लाइक्स हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है? बताइए जल्दी क्या होगा, वेंजियंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? वेंजियंस, कमेंट योर आंसर। वंदना शर्मा जी आंसर दो अपना अपना, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, देख लेते हैं फिर राइट आंसर क्या होगा। द एक्ट ऑफ रिवेंज ही होता है ये, ठीक है? प्रतिशोध, बदला, उसी को वेंजियंस बोलते हैं। बी नहीं होगा। पूजा मिश्रा जी आंसर थोड़ा सा गलत चला गया, ठीक है? सो बी मत करो, VENGANCE, वेंजियंस, इट्स वेंजियंस, ठीक है? तो सी आंसर बनेगा, और इसका मतलब बेसिकली रिवेंज ही होता है, हार्म करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, समबड़ी, किसी को नुकसान देना, हाँ, पनिश करना मतलब होता होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं स्पाइडर जी, ठीक है? ठीक है, टू हार्म समबड़ी या टू पनिश समबड़ी, राइट? तो ये इसका मीनिंग होता है। चलो सेकेंड गर्ल से बताएंगे, मोमेंट्री की राइट स्पेलिंग बताओ, इजी है, बता सकते हैं, मुझे लगता है इजी है। अच्छा मूवी भी है, हॉलीवुड मूवी होगी शायद, है ना सचिन शर्मा जी? मे बी हॉलीवुड मूवी होगी, इसका बताएंगे साहब, मोमेंट्री, सोच के बताना है। सारी स्पेलिंग्स को ढंग से देखो, सारी स्पेलिंग्स को ढंग से देखो तब आंसर देना है। ये ऐसा मत करा करो कि हाँ ये देखा फिर ये देखा और आंसर लगाने लगे, सारी देखो, चाहे आपको आंसर पता भी लग गया फिर भी यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, राइट? अब ऊपर जल्दी जल्दी कहीं उन्होंने दे दिया है, हॉलीवुड मूवी होगी, बिल्कुल मोमेंट्री। सो मोमेंट्री की राइट स्पेलिंग डी है, इट्स नॉट TORY, ओ नहीं आता, ई भी नहीं आता, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, इट्स MOME and TARY, मोमेंट से ही बना, जैसे पल की बात करते हैं, मोमेंट्री मतलब टेम्पररी चीज होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड रहती है। थर्ड, पुट द राइट प्रपोजिशन, ही वॉज बिरेफ्ट डैश ऑल हिज पोजेशन, राइट प्रपोजिशन भरनी है आपको बिरेफ्ट के साथ। एक अभी पटवारी में आपको एक करवाया था, ठीक है? उस दिन डिप्राइव करके एक वर्ड कराया था, डिप्राइव, डिप्राइव है ना, जो डिप्राइव का मीनिंग होता है वही बिरेफ्ट का मीनिंग भी होता है। ही वॉज बिरेफ्ट डैश ऑल हिज पोजेशन, वंचित कर देना, किसी को वंचित कर देना। सो डिप्राइव के साथ हमने ऑफ किया था, याद होगा आपको शायद, वही होता है अभी। सो बिरेफ्ट ऑफ आ जाएगा, बिरेफ्ट ऑफ होता है, डिप्राइव ऑफ होता है, लैकिंग समथिंग मतलब वंचित कर दिया उसको, दी नहीं वो चीज, इसका बताओ। अच्छा क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, फोर्थ सवाल का आंसर सोच समझ के देना। ही वॉन्टेड टू, ये टू दो बार लग गया क्या, एक ही है, बाय मिस्टेक हो गया। सो ही वॉन्टेड टू गो डैश होम एज ही वॉज नॉट वेल, ओके, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, मजा आ गया, मुझे था कि शायद आप पता नहीं टू लगा दोगे। देखो मैं अगर ऐसे बोलता हूं, आई वेंट टू होम या आई वेंट होम, आई वेंट टू होम या आई वेंट होम, बताओ, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई वेंट टू माई होम, कॉन्सेप्ट है छोटा सा,
जब कभी भी आप ऐसे बोलते हो माय होम, हिज होम, हर होम, जब भी पोजेसिव प्रोनाउन लगा देते हो आप, जैसे आई सब्जेक्ट होता है, मींस का ऑब्जेक्ट होता है, माइस का पोजेसिव होता है, ये प्रोनाउन में पढ़ते हैं, प्रोनाउन भी आपको कराऊंगा मैं उसमें डी ट्रिपल एस बी वाले बैच में, राइट, जो हमारा 11 बजे वाला सेशन है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का पोजेसिव माई होता है, तो आप बोलते हो आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, ये सही है। जब पोजेसिव प्रोनाउन के साथ लिखा जाता है तो आप माय होम, हिज होम, हर होम बोल सकते हो, ठीक है, तो आप टू लगा सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं आएगा, इसलिए आंसर डी है। बात समझ आई? छोटी सी बात है, अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन के साथ लिखते हो तो आप वहां पे लिख सकते हो माय होम, हिज होम, हर होम, तो टू आएगा। सो आई वेंट टू, प्रेपोजिशन टू तब लगती है जब आगे पोजेसिव प्रोनाउन दिया होता है, अगर अदरवाइज मत लगाना, छोटी सी बात है। यहां पे आंसर डी करो, यहां पे है ही नहीं पोजेसिव प्रोनाउन, इसका आंसर दो। एक बच्चे ने शायद एक दिन पहले मैं मॉक करा रहा था तो पूछा भी था कि सर इसका क्या है। आपको दो टर्म्स बता देता हूं, एक डील विद भी होता है, शायद मैंने पहले भी बताया, मेरे को याद नहीं है क्योंकि बैच बहुत लगते हैं, कुछ मिक्स ही लगता है कि इसमें भी पढ़ाया, इसमें भी पढ़ाया, पता नहीं यहाँ पढ़ाया कि नहीं। एक डील विद होता है और एक पहली बात तो कोप के साथ अपनी आता, आंसर होगा इसका बी। आंसर तो आप सभी बच्चों का सही है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं और सभी सही है, लेकिन डील विद और कोप विद का मीनिंग सेम होता है। हाँ, डील इन बिजनेस में होता है अरुण रानी जी, वेरी गुड, ठीक है, याद रखना डील इन, वो आपने सही बोला, डील विद भी हैंडल करना होता है, कोप विद भी हैंडल करना होता है, बट प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डील विद हम तब लगाते हैं, अभी पंजाब का एक पेपर हुआ था रिसेंटली, पंजाब का स्टेट का एक एग्जाम हुआ था, स्टेट के एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस बड़े टॉप क्लास डालते हैं, ध्यान रखना, मतलब स्टेट वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं इसका मतलब अलग क्राइटेरिया है, स्टेट वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्वेश्चंस बड़े छांट छांट के डालते हैं। एक सवाल आया था, ऑप्शन में दोनों दिए थे, कोप विद भी था, डील विद भी था। अब आपको मैं आंसर बता देता हूं, डील विद आपको तब लगना है अगर यहां इजी सिचुएशन है। डील विद हम तब लगाते हैं स्टूडेंट्स जब आप किसी आसान परिस्थिति को संभालने की बात करते हो। अगर सेंटेंस में इजी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट है फिर आपको डील विद लिखना है। वहां पे आंसर शायद कोप विद था उस क्वेश्चन में भी, क्योंकि वहां पे भी डिफिकल्ट, देखो यहां पे क्या लिख रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन, इसलिए मतलब यहां कोप वाला क्वेश्चन है, हमारे सामने डील वाला नहीं है। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, तो अगर इजी सिचुएशन दी हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो कि यार तुम संभाल लोगी पीछे, मैं तो जा रहा हूं, तो आपकी फ्रेंड बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जा सकते हो, आई कैन इजिली डील विद दिस, इजी आसान परिस्थिति को संभालना डील विद, डिफिकल्ट परिस्थिति को संभालना कोप विद, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे काम करो फायदा होगा। कैसे, मैं कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगा एग्जाम में, भाई मेरे सामने अगर ऑप्शन में आ गया कोप विद और डील विद दोनों, तो मतलब तो सेम है, इसका मतलब भी हैंडल करना है, उसका मतलब भी टैकल करना है, तो कैसे डिटरमाइन, कुछ तो रीजन होगा कि ये कहां लगता है, ये कहां लगता है, तो ये बातें पता करो आप, ये है कॉन्सेप्ट, इसका आंसर दो। अच्छा जी नहीं नहीं ऐसे कैसे यार, ऐसे होते हैं शिल्पा ठाकुर जी फ्रेंड, ऐसी क्या बात है, ऐसी मतलब संभालने वाली। बुरे पीछे से संभालने वाली ऐसी फ्रेंड कहां मिलती है, क्यों संभालते हैं कई लोग, ऐसे थोड़ी है। चलो बताएं आंसर था, बस सिक्स्थ का आंसर बताएं। अच्छा, एक ऐसा बंदा होता है जिसको ना आदत होती है बस कान लगा के ना दूसरों की बातें सुनते रहना चुप चुप के, कई बार आ जाता है ये वन वर्ड, अच्छा है शायद आप जानते होंगे, वैसे मैं देख रहा हूँ आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। वंदना शर्मा जी क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो, सिक्स का क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो प्लीज, ठीक है। इमिग्रेंट आप जानते हैं, एपिलोग पोएट्री से रिलेटेड होता है। अच्छा, कई लोगों को आदत होती है ना, नेचर होता है कि दूसरों की सुनते रहना बाजी, मतलब बातें सीक्रेटली, एब्स ड्रॉपर बोलते हैं, इट्स एब्स ड्रॉपर, ड्रॉपर, एब्स ड्रॉपर। चलो देखो अब अपनी चैट छोड़ो, चूज अ रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, हर्डल, कडल, पडल, मेडल, आंसर दो। आंसर सही स्पेलिंग बताएंगे,
आंसर 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 50 पार करो यार, तुम लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर दिया करो। हर्डल, अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, हर्डल आपको पता है मैनी हर्डल्स आती हैं, ये तो सही है, यहां ढूंढनी है गलत वाली, है ना, पडल भी सही है मेडल भी सही है, ये गलत है। इसकी सही स्पेलिंग बताना, ये डाला था मुझे नहीं याद, मुझे नहीं है याद कि डाला था कि नहीं। तो इसमें ना एल ई आता है, CUDDLE, और इसका मतलब होता है किसी को अपनी आर्म्स में, मतलब ऐसे जब आप बाहें प्यार से हम जब किसी को ऐसे ले लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जफ्फी डालना पंजाबी चीज जिन्हों कहते, जफ्फी पाना, ठीक है, मतलब ऐसे लव अफेक्शन की वजह से जब हम किसी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं उसको कडल बोलते हैं। आठ होगा, क्लोज टेस्ट देखना जरा, क्लोज टेस्ट की टिप्स बताता हूँ, देखो नाम क्या है, क्लोज क्लोज टेस्ट होता है एक, है ना, ये क्वेश्चन वैसे अदर एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है। सी लुक वॉच और लुक एट, इन सब के मीनिंग बताना जरा हिंदी में, क्या मीनिंग होते हैं इन सबके, जादू की झप्पी। हाँ बिल्कुल नक्शु जी, वो देखी होगी तुमने, मुन्ना भाई MBBS, गदर आ रही है फिर 11 तारीख को, जा रहे देखने गदर 2। देखो सी का मतलब भी देखना है, लुक का मतलब देखना नहीं होता, इसका मतलब टू अपियर होता है, ध्यान रखना है, लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब टू अपियर होता है, दिखना, ठीक है, या टू सीम, वो दुखी दिखती है, वो दुखी लग रही है यार, शी लुक्स सैड, तो इसका मतलब अपियर होता है, लुक का मतलब देखना नहीं होता, दिखना होता है, शी लुक्स सैड, मतलब शी अपियर्स टू बी सैड, शी सीम्स टू बी, ट्रिकी वर्ब है लुक, याद रखना इसका। लेकिन जब हम लुक के साथ एट लगाते हैं फिर ये फ्रेजल वर्ब बनती है, इसका मतलब टू सी होता है। एक्चुअली देखने को लुक एट बोलते हैं, लुक नहीं बोलते, लुक मतलब टू सीम होता है, टू अपियर होता है, वॉच भी टू सी होता है, तो फिर फर्क क्या है, इसका मतलब भी टू सी होता है, ये नॉलेज चेक करता है इस क्वेश्चन के अंदर, ये नॉलेज चेक करता है एग्जामिनर, क्या आपको सही से वर्ड लगाना आता है, सिलेक्शन जानते हो आप। सी खुली, ओपन आईज से, खुली आंखों से हम जो भी देखते हैं, जो आप देख रहे हो आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी भाई, जो भी हम देख रहे हैं ओपन आईज से, इसके लिए सी लगता है, ध्यान रखना, राइट, ये तो दिखना होता है। वॉच जब आप कॉन्सेंट्रेट करके चीज पे देखते हो, जैसे वॉचिंग टेलीविजन होता है, कभी लुकिंग टीवी होता है, नहीं होता। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जामिनर यही चेक करता है वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट, क्या आप जानते हैं कौन सा वर्ड किस जगह पे लगना, इसको करना है आज हमने। अभी आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक इसको रीड करो, देखो वर्ड लेफ्ट आउट है, यहाँ वर्ड छोड़ा है, यहाँ पे वर्ड छोड़ा है, यहाँ पे वर्ड छोड़ा है, यहाँ पे वर्ड छोड़ा है, फिर पांचवे में यहाँ पे वर्ड छोड़ा है, फाइव वर्ड्स इसमें मिसिंग है, बता देता हूं। देखो मैंने बोला शी लुक्स, शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वो शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो अगर लुक का मतलब देखना है तो इसका मतलब क्या, वो ब्यूटीफुल को देख रही है, अगर लुक का मतलब देखना होता है तो फिर क्या वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल को देख रही है, अरे वो ब्यूटीफुल दिखती है, वो सुंदर दिखती है, ना कि वो ब्यूटीफुल को देख रही है, शी लुक्स हैप्पी, तो क्या वो हैप्पी को देख रही है, फिर एक पंजाबी न्याणा कहता है कि हैप्पी तो जी मुंडे का नाम भी हो सकता हैप्पी तो मुंडे का नाम भी हो सकता है, अभी हो भी सकता है, पर वो मजाक के सेंस में है, दिख रही है वो, तो लुक का एक्चुअल मतलब टू अपियर है, टू सीम है, इसका मतलब देखना नहीं होता, इसका मतलब दिखना होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं शी इज लुकिंग एट द बोर्ड, अब बताओ क्या अब लुक लुक लुकिंग एट या लुक एट, क्या अब यहां पे जो है बेसिकली इसका मतलब दिखना बन रहा है, नहीं, जब लुक एट बोलते हैं तो इसका मतलब फिर देखना होता है, टू सी, वो बोर्ड की तरफ देख रही है,
ठीक है, नाउ इट मीन्स टू सी, ये है, इसको पढ़ो जरा एक बार, रीड करो इसको। हाँ, आई एम लुकिंग एट यू, बिल्कुल, लुक एट देखना होता है, लुक मतलब दिखना होता है। बड़े इजी ऑप्शन है इसके, कुछ भी नहीं है, बड़ा देख के डर मत जाना, एक बार रीडिंग दे दो, बिना ऑप्शन को लगाए आपने इसको एक बार रीडिंग देनी है, फास्ट। अच्छा फिर पता क्या होता है शिल्पा जी, ये जो वॉचिंग वर्ड है ना, इसके फिर इसका मतलब देखना, टेलीविजन देखने के लिए तो हम वॉचिंग लगाते हैं, आपको पता है, ये जो आप बोल रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप किसी की वो कर रहे हो, वॉचफुल भी होता है ना, एक इंसान की बड़ा पहरा देता है, बड़ा वॉचफुल है, ये पुलिस वाला बड़ा वॉचफुल है, चीजों की निगरानी रखना, समझते हो, एक वर्ड के कई कॉन्टेक्स्ट होते हैं, शब्दों को अपना मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही मिलता है। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे आप वॉचिंग लगाओगे तो इसका मतलब निगरानी टाइप में बोल रहे हो आप, इसका थोड़ा सा मीनिंग कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा वर्ड का जो आप बोल रहे हो। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हो, दिख नहीं रहा, छोटा है फॉन्ट यार, फिर बड़ा फॉन्ट किया था मैंने तो फिर नीचे चला गया, मुझे लगा कट ना जाए इसलिए मैंने छोटा किया फॉन्ट। मैं पढ़ूंगा अभी इसको, मैं रीड कर देता हूं। महाराष्ट्रास मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एनसीपी के जो नेता हैं, लीडर, जिनका नाम है नवाब मलिक। इस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, हमें एक एक वर्ड का ट्रांसलेट नहीं करना, इसने इसकी ट्रांसलेशन करने को नहीं बोला, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। इज द सेकेंड मिनिस्टर इन द महाविकास आघाड़ी एमबीए, इसके लिए ये लिखा हुआ है महाविकास आघाड़ी एमबीए। इनका नवाब मलिक की पोस्ट बता रहा है कि जो एनसीपी के नेता है और जो सेकंड मिनिस्टर, मतलब दो पोस्ट है इस बंदे के पास, ठीक है, एक एमबीए के भी है ये, एमबीए जो महाविकास आघाड़ी बता रहा है, अलाइंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आपने ये नाम कई बार न्यूज में सुना होगा, ईडी, ईडी का छापा पड़ गया भाई, केजरीवाल पे भी पड़ा था अभी पीछे जैसे, और वो जो दिल्ली का दूसरा है उसके, उसका नीचे वाला, उसके उनकी भी पूरी वो, समझते हो, ईडी सुना है कि नहीं सुना है बताओ, क्या तुमने कभी न्यूज में ईडी के बारे में सुना है कि भाई उस पर ईडी ने रेड डाल दी है ना, उसकी पूरी फाइनेंशियल, वो कहां से पैसा आया, तो सुना होगा यार, न्यूज वगैरह सुनते होंगे आप। तो ये बोल रहा है कि डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, अभी हमने नहीं भरना, बाद में देता हूं ऑप्शन, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक, अच्छा पर्टेन्स का मतलब होता है संबंधित, जो केस था भाई, केस क्या था उसके खिलाफ, मिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ क्या केस किया ईडी ने, जो संबंधित था टू अ डैश, यहां छोड़ दिया, 1999 में, इन विच अ प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड टू वन ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू हिम फॉर अ प्राइस ऑस्टेंसिवली मच लोअर देन इट्स एक्चुअल वर्थ, मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल हुई थी और उसकी प्राइस वर्थ ज्यादा थी, एक्चुअल वर्थ ज्यादा थी, लेकिन वो कम प्राइस पे, मच लोअर, कम प्राइस पे बेचा गया था उसको, राइट right? आगे देखें, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलीज्ड, न्यूज पेपर की लैंग्वेज है, आरोप लगाना, काफी पढ़ा होगा आपने वर्ड, आर्टिकल में काफी आता है, एलीज्ड दैट देयर वॉज इनफ डैश, इनफ, यार एक तो नहीं पंगा बहुत है इसका, इनफ डैश टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, जिसका इसने यहां पे लिखी हुई शॉर्ट फॉर्म ना यहां पे लिखी हुई है कहीं पे, नीचे जाके जब हमें मिल जाएगी देख लेते हैं, द ईडी हैज ऑल्सो, अच्छा ईडी ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसने ये भी आरोप लगाया है दैट द प्रॉपर्टी सेल वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल सलीम पटेल एन डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर सिंस डिसीज्ड, मिस्टर मलिक्स डैश हैज आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999 मच बिफोर द पीएमएलए, ये है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पता है लोगों जो है नंबर दो के पैसे को व्हाइट करते हैं, आपको पता है ना, मतलब काला जो धन होता है उसको व्हाइट मनी का रूप देते हैं, बोरे
तो उसके डैश ने ये आर्ग्यू किया ठीक है इनटू फोर्स एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ. तो कोई केस बनता नहीं है. ईडी अपना आरोप लगा रही है, उसका डैश ये आरोप लगा रहा है. तो पहले का आपको आई थिंक ये पता लग गया होगा, समझ आ गया होगा. पहले का आंसर देखो जरा क्या हो सकता है. डिवाइडेड होगा, एलोकेटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, अरेस्टेड होगा. एक बार दोबारा देख लो, एक बार स्टार्टिंग वाली लाइन द्वारा पढ़ लो. पहले का आंसर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, फिर ऑप्शन दे दूंगा आपको. अभी आपने बताना है मुझे. फिर वहां से पढ़ लो, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स टू अ डैश इन 1999. सॉरी ये तो दूसरा है, ऊपर वाला रह गया. ठीक है, तो यहां पर अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. क्या हो सकता है चार में से बताओ. बड़ा इजी सा ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन बहुत इजी है, पैसेज पीछे रह गया. बता सकते हो? तुम्हें कुछ समझ आ रहा कि नहीं? क्या आंसर होगा बताओ भाई, चुप्पी हो गए. द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स, नहीं ये तो ऊपर है. ठीक है, एमबीए तो बोल रहा है अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर. ईडी के द्वारा उसको डैश किया गया. क्या किया गया? डिवाइड किया गया. अरे सिंपल सी बात है यार. हाँ आगे लाइन पे अरेस्टेड आएगा, क्योंकि ईडी ने तो उसको गिरफ्तार किया. डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी किया, बंदे को थोड़ी, उसके टुकड़े थोड़ी कर देंगे, एलोकेट थोड़ी करेंगे, डिवाइड थोड़ी करेंगे. अरेस्टेड आएगा, डी आएगा. ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के द्वारा. केस क्या था? द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स टू अ डैश इन 1999, टू अ डैश इन 1999 इन विच अ प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड. ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का केस था. तो टू अ डैश इन 1999 क्या आंसर बताओ. क्रॉनिकल, ट्रांजेक्शन, रजिस्टर, ट्रांजिशन. फर्स्ट आपने आंसर सही दिया है, कोई बात नहीं स्पाइडर जी, मैं समझता हूँ ऑनलाइन में थोड़ी हो जाती है दिक्कत. मेरा लास्ट सेशन हो ही नहीं पाया, साउंड ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसमें. बी, वेरी गुड. कोई जैसे यार मनी आप गूगल पे वगैरह करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो सेकंड आंसर होगा इसका ट्रांजेक्शन. क्रॉनिकल क्या होता है? घटनाओं की एक सीरीज होती है. भाई क्विट इंडिया मूवमेंट इस अब हुआ, फिर उससे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा मूवमेंट हुआ. रजिस्टर ट्रांजिशन ये नहीं आने. ठीक है, तो आप देखो पैसेज को एक बार. बुरा टू बी अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक संबंधित था टू अ ट्रांजेक्शन. यहां ट्रांजेक्शन आएगा कि पैसे का कोई वो हुआ होगा. 1999 में कोई ट्रांजेक्शन हुई थी जिसमें प्रॉपर्टी को सोल्ड किया गया था, बेचा गया था. ठीक है, कंपनी बिलोंगिंग और उसकी प्राइस ज्यादा थी, लेकिन उसमें मतलब उनको पैसा कम मिला. फिर द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलीज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस. अच्छा, केस करने के लिए इनफ क्या होते हैं? केस करने के लिए इनफ क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. बता सकते हो केस करने के लिए क्या होने चाहिए? होगा कि नहीं? पैसेज बड़ा है, ऑप्शंस बहुत इजी हैं, ऑप्शंस बहुत इजी हैं. तो सिंपल सी बात है, अपीयरेंस आने का मतलब नहीं है, मैनिफेस्टेशन होता है. जो आपके माइंड में है, दिमाग में है, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो किसी चीज को, है ना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, एक्सप्रेस करना, डेमोन्स्ट्रेट करना वी कैन से. तो एडवेंट किसी चीज को स्टार्ट करना, एविडेंस होंगे उनके पास. तो यही बोला उसने सॉलिसिटर ने, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये आरोप लगाया कि उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत. मतलब बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास, एविडेंस है. फिर ईडी ने उसके ऊपर ये भी आरोप लगाया दैट द प्रॉपर्टी सेल वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल. अब यहां पर किसी का नाम नहीं ले रहा. प्रॉपर्टी सेल was done by an individual, किसी इंडिविजुअल के द्वारा प्रॉपर्टी सेल की गई थी, जो क्या था, सलीम पटेल उसका नाम था. ठीक है, एन डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर, डैश था वो दाऊद इब्राहिम सिस्टर का, हसीना पार्कर का वो डैश था. क्या था बताओ?
बहुत सिंपल है, यू कैन इजिली टेल। सोचो ढंग से, सोचो ढंग से सोचो। अब पैसेज मैंने हर स्लाइड पे नहीं डाला क्योंकि फिर मैं ये कट रहा था नीचे से। एडवोकेट था, देखो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था, यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था। यहां उसने एडवोकेट नहीं लिखा है, आप इस बात को ढंग से पढ़ो। द ईडी हैज ऑल्सो एलिज्ड दैट द प्रॉपर्टी सेल वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल, द किसी व्यक्ति के द्वारा सेल की गई थी प्रॉपर्टी, वकील ने थोड़ी करी। सलीम पटेल था उसका नाम, और वो डैश था, दाऊद इब्राहिम की सिस्टर हसीना पारकर का डैश था। क्या होगा, दिमाग लगाओ। एसोसिएट था, वेरी गुड, एसोसिएट था वो, सहायक था, हेल्पर। एसोसिएट मतलब उसका हेल्पर बोल सकते हैं एक तरफ से, उसका सहायक था वो, एसोसिएट था वो, ठीक है। सो हेल्पर वी कैन से सपोर्ट करने वाला, जो उसको एड करता था, हेल्प करता था। अब आ जाओ लास्ट पे, देखो चार आंसर निकल गए धड़ाधड़। आगे देखो, एन एसोसिएट फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पारकर सिंस डिसीज्ड, मिस्टर मलिक्स डैश हैज आर्ग्यूड। अब आर्गुमेंट कौन करेगा भाई, आर्गुमेंट कौन करेगा, दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999, मच बिफोर द, मतलब पीएमएलए जब ये फोर्समेंट में आया था उससे पहले ही ये पावर ऑफ अटॉर्नी बन गई थी, एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ। तो मतलब कोई केस बनता नहीं है ना। तो राइट आंसर बताएं साहब, इसका आंसर दो, किसने आर्गुमेंट किया होगा, कोर्ट में कौन आर्गुमेंट करता है, कोर्ट में कौन आर्गुमेंट करेगा, मिस्टर उसकी नवाब मलिक की तरफ से कौन करेगा, एड करे, एड्स आएगा यहाँ पे, राइवल कॉम्पिटिटर होता है जो आपका प्रतिद्वंदी है, बिजनेस में बहुत सारी राइवलरी होती है जो आपका प्रतिद्वंदी है। अब आएगा एडवोकेट, तो कौन सा बड़ा टफ था भाई, ये कर दिया हमने ये। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये द हिंदू के आर्टिकल का क्लोज टेस्ट है, ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका क्लोज टेस्ट है ये बिल्कुल सही बोला स्टैन ने, बिल्कुल सही बोला। ट्रिब्यून में, ट्रिब्यून में नहीं, द हिंदू का है, द हिंदू का शायद आपने पढ़ा हो, तो ये द हिंदू का जो आर्टिकल है उसमें आया था एक बार ये, ठीक है। तो ये मैंने वहां से उठा के, ये क्वेश्चन, ये वर्ड मैंने मिस मारे हैं बीच में। अरे कोई भी आर्टिकल उठा लो आप, उसमें पांच वर्ड बीच में खाली छोड़ दो, बस कहानी खत्म, बन जाएगा तुम्हारा क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे एडवोकेट है, तो ये मैंने आपको थोड़े से एमसीक्यूज करा दिया अलॉन्ग विद क्लोज टेस्ट। देखो आइडिया जरूर होना चाहिए, पेपर में कुछ पता नहीं लगता, आप हिमाचल का कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम तो दोगे नहीं, है ना। हो सकता है कि आपने डिफरेंट एग्जाम्स देने, कई एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी अभी आपका जो है, फिर रिया, रिया जी, रिया सरीन जी, थोड़ा सा करो आप ऐसे ना, थोड़ा थोड़ा करो, है ना। नहीं वैसे नक्शु कश्यप ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे आते हैं, ऐसा ये क्लोज टेस्ट नहीं आता है, ये आपके टीजीटी में नहीं आएगा। लेकिन आइडिया जरूर होना चाहिए, आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो पी क्यू आर जोड़ते हैं। अभी हिंदी वाला सेशन होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, हिंदी वाले मैम कनेक्ट कर रहे हैं जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं। चलिए आई होप कि आपने जो है इंग्लिश वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं, तो जरा हिंदी के प्रश्नों पर आ जाइए सभी बच्चे।
अरे रितेश जी, हम आ गए, बिल्कुल आ गए हम। ठीक है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को छोड़ने वालों में से नहीं है। आज हम आपको हिंदी के अगले 20 प्रश्न करवा के ही रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। तो तैयार है आप सभी? और हर प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा हर बार की तरह, क्योंकि क्या होता है ना कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया जो है सीखने को मिल ही जाता है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं, फिर ज्यादा समय आपका नहीं लेते। उससे पहले लाइक और शेयर जिन्होंने अभी तक नहीं किया सेशन को, जरा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ज्यादा समय ना लेते हुए। पहला चलिए, पेपर स्टार्ट करने से पहले तो हम भूल ही गए कि जो पिछली बार हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी आपको बता दें। तो सबसे पहले ये बताइए, श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? कौन बताएगा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं? जी नमस्कार, राधे राधे, बताइए श्लेष अलंकार किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार? क्योंकि अलंकार तो है तो डी ऑप्शन तो नहीं आएगा, इतना तो श्योर है। कुछ कह रहे हैं बी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं ए ऑप्शन, दो मेन वही है, शब्दालंकार या अर्थालंकार। और यहां पर जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है शब्दालंकार, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। श्लेष अलंकार आपका शब्दालंकार में ही आता है। क्यों आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो अर्थालंकार में आना चाहिए, श्लेष अलंकार होता क्या है? ये वो अलंकार होता है जहां पे आपके मतलब ये काव्य में या पंक्तियों में शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न 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 संदर्भों में प्रयुक्त हो। कि जब जैसे है कि सुवर्ण के पीछे भागे वो कवि व्याभिचारी चोर, वो सब था आपका, ठीक है ना, तो उसमें था कि शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। अब क्या है कि जैसे हो सकता है कि हरि शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, एक जगह हाथी निकले, एक जगह विष्णु जी निकले, एक जगह बंदर निकले, एक जगह घोड़ा निकले। लेकिन अगर मैं वहां पे हरि की जगह केवल और केवल बंदर लिख दूं तो वहां पे उसका अर्थ संकुचित हो जाएगा। तो यहां पर यही होता है कि जहां पे शब्द का पर्यायवाची रख देने से अलंकार समाप्त हो जाता है वो आपका शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दालंकार में और कौन कौन से होते हैं? वीप्सा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सारे आपके शब्दालंकार में ही होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। उभयालंकार वो होता है एक ऐसा अलंकार, या जैसे आपको एक पंक्ति आ जाए उसमें आपका शब्दालंकार भी हो और अर्थालंकार भी, दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों, ओके? तो यहां पे जहां पे आपके दोनों अलंकार आ जाए वहां पे आपका उभयालंकार होता है। अब पहला प्रश्न, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग के मेल से ना बना हो। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। ऐसा विकल्प जो उपसर्ग के मेल से नहीं बना, वो विकल्प आपको छांटना है। देखते हैं किसका सही है। फर्स्ट का ए ऑप्शन कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, तब तो बात होगी ही होगी। अब जैसे विकार, वी जमाकार जो कार्य को बिगाड़ दे, परिवर्तित कर दे, निराधार, निर्जमा आधार, फिर उपसर्ग है इसमें, और उल्लेख, उत्त जमा लेख। तो यहां पर तीनों ही शब्दों में उपसर्ग था लेकिन दौड़ान, दौड़ान में आपका आन प्रत्यय था, दौड़ जमा आन, दौड़ान, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यह ऑप्शन आएगा। अगला देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? जल्दी से बताइए, यहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है?
चलिए सभी ने डी ऑप्शन बताया तो बिल्कुल वही है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर तीन व्यक्ति होते हैं, एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला और एक होता है आपका थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो। तो जो बोलने वाला होता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, जिसमें आता है हमें, मैंने, ये आता है आपका उत्तम पुरुष में। फिर आता है आपका सुनने वाला, वो होता है आपका मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। तो ये है जैसे कि आपका, आप, आपका, तुम, तुम्हें, हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने, ये है आपका थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही डी ऑप्शन ही आएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, हुती और हुती दोनों का सही अर्थ युग्म छाटिए जल्दी से। और शब्द युग्म के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। हुती और हुती, यहां पे ह को छोटे उ की मात्रा है, यहां पर ह को बड़े उ की मात्रा है, अब बताइए सही उत्तर क्या आएगा। और हुती शब्द से आपको याद होना चाहिए आहुति, जैसे कहते ना कि आप आहुति देते हैं, वहां से निकला है शब्द हुती, या कह लीजिए कि इससे बना है आहुति, बोथ वेज। थर्ड का भी चलिए एटलीस्ट आपने एक गेस तो किया, बिल्कुल अनुमान जरूर लगाइए, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो तुक्का लगाइए जरूर, एक बार लगाइए जरूर कि आपको पता चले आप कितना क्लोज पहुंच पाए। चलिए अब थर्ड का ए ऑप्शन कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है, हुती मतलब होता है हवन और हुती होता है बुलावा, जैसे कितना हुती लगाई जा रही है, मतलब कि सबको बुलावा भेजा जा रहा है, आवाज लगाई जा रही है, तो हवन और बुलावा, ये आपका करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, मन के लड्डू खाना, मन में लड्डू फूटना नहीं, याद रखिए, मन में लड्डू फूटना ये एक भिन्न मुहावरा है और ये आपका भिन्न मुहावरा है। मन में लड्डू फूटना, मन के लड्डू खाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन, सभी फटाफट कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरी कल्पनाएं करना, कि बस मन ही मन कल्पना करके खुश होते रहना कि मन के लड्डू खा रहे हैं, ठीक है ना, मन ही मन में कुछ ना कुछ लड्डू बना के खाते जा रहे हैं, प्रसन्न होते जा रहे हैं, कोरी कल्पनाएं करना, बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन। आगे देखिए, बाल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कुंतल, स्वसा, केश या चिकुर, जल्दी से बताइए। बाल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पर्यायवाची विलोम का प्रश्न जो आना ही आना है पेपर में किसी भी सूरत में। चलिए बहुत जल्दी डी ऑप्शन चूज किया, करिए करिए, सी ऑप्शन, गजब, मतलब केश चूज कर लिया, केश मतलब बाल, ये हेयर्स, ये तो होगा ही होगा ना, क्योंकि बाल के आपके दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो होगा बच्चा या होगा बाल, मतलब केश, हेयर्स आपके। अब यहां पे बच्चे से रिलेटेड तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो केश तो हो सकता है ना उसका पर्यायवाची, क्यों नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, स्वसा, स्वसा का मतलब क्या होता है, बहन, जो आपकी बहन होती है ना, सिस्टर, उसे कहा जाता है स्वसा, ठीक है ना, स्व, स्व से संबंधित स्वसा, तो बहन, बहन को कहा जाता है। बाकी सारे आपके बाल के पर्यायवाची थे, हेयर्स के, केश। चलिए आगे देखिए, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, कौन बताएगा जल्दी से। चिकुर का मतलब भी केश ही होता है, सर के बाल, चिकुर, चिकुर उसी को कहा जाता है, सर के जो बाल होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सिक्स्थ का बिल्कुल सिंपल ऑप्शन, सी ऑप्शन, अमावस्या। और लिंग और वचन पहचानने का सबसे आसान तरीका वाक्य में प्रयुक्ति, तो मस्तक, मेरा मस्तक ऊंचा है, मस्तक ऊंचा रहे हमारा, होता है ना ऐसा। फिर बाल, बाल टूट गया, फिर ये, और भारतीय, वो भारतीय जा रहा है, अब वो चाहे आदमी हो औरत हो कुछ भी।
लेकिन आज कहते हैं ना, आज अमावस्या की रात है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए, दवा का बहुवचन क्या होगा? ठीक है ना, दवा का बहुवचन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। बी और सी? ओह, सी ऑप्शन, कितना अच्छा ऑप्शन चुना आपने, आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत और बिल्कुल गलत, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया। अब मैं बताऊंगी गलती कहां की, मैंने यहां पर आपको फंसाया और आप कितने आराम से आके फंस गए, दवाइयां दवाइयां सब कुछ कर दिया, और मैं जानती थी ये देखकर आप बी और सी ऑप्शन ही चूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। क्यों भाई, दवा पूछा है, दवा का बहुवचन रहेगा दवाएं। अगर आपसे पूछा जाता दवाई, दवाई का बहुवचन क्या होगा, तब आता आपका दवाइयां, तब भी आपका बी ऑप्शन आता, क्योंकि बहुवचन बनाते वक्त बड़ी ई जो है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। भूल गए, याद नहीं है बचपन में मैडम ने पढ़ाया था कि बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है बहुवचन में। तो दवा का आएगा दवाएं और दवाई का आएगा दवाइयां, दोनों में अंतर है, तो ये चीज फंसिएगा मत। ये बहुत ही क्लोज आंसर था, समझ गए कहां गलती हुई। तो ये गलती हो सकती और कहां पर हो सकती है, देखिए जरा। गो, एक होता है ना, क्या कहते हैं, गो माता, गऊ, एक होता है ये, एक होता है गऊ, और एक होता है आपका गाय, और जानते हैं तीनों का बहुवचन भिन्न होगा। जैसे गो, गो का क्या होगा, गोए, गऊ का क्या होगा, गऊए, और गाय का क्या होगा, गाय, ये होगा। तो तीनों का बहुवचन अलग, उसी प्रकार दवा और दवाई दोनों का बहुवचन भी भिन्न होगा। तो अगर आपको लगता है कि लिंग वचन के प्रश्न बहुत आसान हो सकते हैं, तो नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में भिन्न संधि है, जल्दी से बताइए। भिन्न संधि वाला शब्द कौन सा है, महीश, गवीश, सतीश या रवीश? चलिए, सभी में ईश, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, महीश, गवीश, सतीश या रवीश? सही उत्तर छाटिए। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो तैयार आपको हर स्थिति के लिए रहना है। चलिए, मोस्टली स्टूडेंट्स बी या डी ऑप्शन कह रहे हैं, चलिए ए ऑप्शन भी आ गया। अब आते हैं सही उत्तर पर। महीश कैसे बनता है, मही जमा ईश, क्योंकि अगर महा जमा ईश होता तो महेश बन जाता, मही जमा ईश, तो यहां पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि। गवीश कैसे बनता है, गो जमा ईश, कि गाय के देवता, गो जमा ईश, तो ओ जमा ई, ठीक है ना, क्या बन गया आपका, गवीश। तो ये गो जमा ईश, गवीश, तो ये आपका क्या बन गया, कौन सी हो गई, अव, अव की ध्वनि, अयादि संधि बन गई, ये अयादि संधि थी यहां पर, अव, गव, अव की ध्वनि थी। और सतीश, सती, सती माता, सती जमा ईश, तो सती माता के देवता कौन थे, शंकर जी, तो शंकर जी के लिए आ सकता है सती शब्द, समास में भी आ सकता है, तो सती के ईश्वर या सती के स्वामी, ठीक है ना, वो थे शंकर जी, शिव जी जी, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि है। और रवीश, रवि जमा ईश, रवि कौन होता है, सूर्य, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि थी। अब समझ में आया कहां कहां गलती हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, प्रति जमा आघात, बताइए जरा इसका संधि क्या होगी, प्रति जमा आघात की संधि वो आपको करनी है, तो जल्दी से बता दीजिए। और रवि में व को छोटी की मात्रा आएगी, वर्तनी का ध्यान रखिएगा, एक वर्तनी से इधर की बात उधर हो सकती है। बी ऑप्शन, प्रति जमा आघात, प्रत्याघात, बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। आगे देखिए, ए जमा अन्य स्वर के मेल से कौन
कौन सी संधि होती है, कौन बताएगा? यहां पर ए की मात्रा है कि ए के साथ कोई भी अन्य स्वर मिले तो कौन सी संधि होती है, जल्दी से बता दीजिए। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि? और जल्दबाजी नहीं करनी है, ये जो ए और बी ऑप्शन दे रहे हैं ना, गलत ऑप्शन है ये। क्यों? अब देखिए जरा क्यों। गुण संधि में क्या होता है, आपका अ या आ के साथ, ठीक है ना, जब तो ई या ई मिलती है तब तो बनता है ए, जब ऊ या ऊ मिलता है तो बनता है ए, और जब री मिलता है तो बनता है अर। सॉरी, यहां पे ए नहीं, ओ। तो ए, ओ या अर, और मिलते हैं ये तीन। वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर तो बनता है ए या ए, तो यहां पे ए पहले आया था, यहां पे ए बाद में आया है, तो यहां पे आपकी गलती हुई है। तो अ आ के साथ अगर ए या ए मिलता है तो ए बनता है, और अगर ओ या औ मिलता है तो आपका औ बनता है, ये है आपकी वृद्धि संधि। यण संधि में क्या होता है कि ई ई के साथ अन्य कोई भी स्वर मिले, ठीक है ना, तो बनता है य। ऊ ऊ के साथ कोई अन्य स्वर मिले तो बनता है व। री के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो बनता है र। लेकिन अयादि संधि वो होती है जहां पे कौन से चार संयुक्त स्वर होते हैं आपके, ए, ए, ओ और औ। तो ए के साथ कोई अन्य स्वर मिले तो बनता है अए, ए के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो बनता है आए, ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो बनता है अव, और औ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो बनता है आव। ये होती है चीज कि अगर ए ए की मात्रा पहले आ गई है तो भिन्न संधि होगी, अगर ए की मात्रा बाद में आई है तो वृद्धि संधि होगी। इतना अंतर पड़ता है। अब जैसे री का स्वर अगर बाद में आया है, मतलब कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में आया है, तो गुण संधि होगी, और वहीं अगर पहला शब्द री पे खत्म हो रहा है तो यण संधि होगी। ये चीजें होती हैं आपकी, तो ध्यान रखिएगा चीजों का। आगे देखिए, हम अपने मेहमान की सही देखभाल नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत डैश है। रिक्त स्थान भरिए जरा जल्दी से। रितिश जी कोई बात नहीं, नियम मैंने आपको इसीलिए लिखवाए हैं कि नियमों को अच्छे से देखिए, समझिए, और बार बार इन्हें बस, मतलब जैसे आते आते मोबाइल पे सोने लगे हैं, एक बार लिस्ट देख ली, इसीलिए मैंने आपको वो फोटो शेयर की थी। चलिए, अब यहां पे खेद है, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओ सॉरी, एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा मिस हो गया। यहां पर देखिए, अब रात्रि के साथ चांद भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा अव्यय नहीं है? अब बताइए इस पूरे वाक्य में कौन सा अव्यय नहीं है, जल्दी से, यह आपको पहचानना है। रात्रि के साथ चांद भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मैंने क्या पूछा है, यहां पे कौन सा अव्यय नहीं है? और मुझे लगता है आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा अव्यय है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत, निपात। निपात शब्द कहां पर है, चांद भी, मतलब निपात तो बिल्कुल सामने समक्ष दिख रहा है आपके, गजब कमाल करते हैं आप। मैंने पूछा कौन सा अव्यय नहीं है, आपने फटाफट निपात चूज कर दिया, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यहां पे भी शब्द दिया गया है। फिर संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या है आपका, के साथ, तो संबंध बोधक भी दिया गया है। और धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण भी दिया गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहां पे कोई भी समुच्चय बोधक था ही नहीं, जब यहां पे दो वाक्य ही नहीं थे तो समुच्चय बोधक कैसे आता? तो मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था, आपने सही से अटेम्प्ट नहीं किया, ये तो गलत बात हो गई। इजी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जो आपने गलती की है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आना था। तो आगे से ध्यान दीजिएगा, इतनी सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। मुझे नहीं पता आपने निपात शब्द कैसे चूज किया, मुझे लगता है आपने प्रश्न पढ़ा कि कौन सा अव्यय है,
तो नहीं शब्द फिर क्यों देता है एग्जामिनर? कंफ्यूज करने के लिए ही देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अटेंटिव रहना है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। प्रतिभागी, उपासना, निर्वाचन या निराभिमान, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? 14th क्वेश्चन है, केवल और केवल 6 प्रश्न और शेष है, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? फोर्टींथ का सी या डी? मोस्टली का डी है जो सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। जैसे प्रतिभागी, इसमें ये शब्द कैसे बना है? प्रति जमा भाग जमा ई, यहां पे उपसर्ग एक है, प्रत्यय एक है। उपासना, उप जमा आसना, तो यहां पे केवल और केवल एक उपसर्ग है। निर्वाचन, निर जमा वाचन, तो यहां पे निर उपसर्ग है, केवल एक उपसर्ग है। लेकिन निराभिमान, निर जमा अभी जमा मान, तो यहां पे दो दो उपसर्ग हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही आएगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? बताइए जरा। अनामिका, अनिंद्य, अनादर, अनित्य, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? अनुपसर्ग किसमें, किस शब्द में है? चलिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसके बाद केवल और केवल 5 प्रश्न बचेंगे। फिफ्टींथ का सी बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही, अनादर। क्यों? अनामिका में क्या है? अ जमा नाम जमा इका, तो यहां पे एक उपसर्ग एक प्रत्यय। अनिंदे में क्या होगा? अ जमा निंदे। निंदे क्या होता है? जिसकी, जो निंदा करने योग्य हो, जिसके, जिसकी निंदा की जाए कि ये तो निंदनीय काम किया, यह निंद्य, यह कार्य निंद्य है, ठीक है ना, तो अजमा निंद्य। अनित्य क्या होता है? अजमा नित्य, जो डेली ना होता हो। लेकिन अनादर कैसे बनेगा? अन जमा आदर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन ही है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ई स्वर निम्न में से क्या नहीं है? चलिए अब बताइए इस प्रश्न को कि जो बड़ी ई की मात्रा है ना, उसकी पहचान क्या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये चारों में से क्या नहीं है? अग्रस्वर, संवृत स्वर, मूल स्वर या दीर्घ स्वर? चलिए 16th क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे फटाफट करके। ई स्वर क्या नहीं है? माधव बिल्कुल सही उत्तर आपका, और कमाल है। आपको एक बात बताऊं मैं, अगर यहां पे आपको अग्रस्वर संवृत स्वर नहीं भी पता होते ना, तब भी आप इसका सही उत्तर दे सकते थे, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, कितनों को याद है? कितने होते हैं हिंदी में मूल स्वर, जल्दी बताइए। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 4, केवल और केवल 4, अ ई उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। तो इसमें ई तो कहीं है ही नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सीधे सीधे सही उत्तर। दीर्घ स्वर है ये आपका। अग्र स्वर क्या होता है? जिह्वा के आधार पर, जैसे कि अब जैसे ई, ई में आपने देखा जीभ का आगे वाला पार्ट यूज हो रहा है, ध्यान से बोलकर देखिए एक बार, जितने भी बच्चे हैं सभी बोलकर देखिए ई। अच्छा, अब एक बार अपनी जीभ को पकड़ कर ना ई बोलकर देखिएगा, नहीं बोलेगा इ, इ, तो वो ई नहीं बोला जाता, ए बोला जाता है, अ या ए। क्यों? क्योंकि जब तक आपका जीभ का आगे वाला पार्ट यूज नहीं होगा, आप ई नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए ये आपका अग्र स्वर भी होता है। और अगला आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में आपका मुख बहुत ही कम खुला हो, ई, तो मुख बहुत ही कम खुला है तो संवृत स्वर है आपका ये, तो इस चीज को सभी बच्चे याद रखेंगे, करेक्ट है? तो सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आएगा कि बड़ी ई की मात्रा जो है वो मूल स्वर में नहीं आती। आगे देखिए, अब ए स्वर निम्न में से क्या नहीं है? चलिए, अभी ई की बारी थी, अब ए पर आ जाइए, जल्दी जल्दी बताइए, अब सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा।
करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए स्वर निम्न में से क्या नहीं है? चलिए 17th का बी डी ओके देखते हैं देखते हैं। अंजू डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। उसका रीजन, जितने भी आपके स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं, सभी स्वर, क्योंकि सघोष ध्वनियां कहां पर होती हैं? जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहां से आपकी छाती से आवाज आ रही है। तो कोई भी आपका स्वर हो, अ आ ई ई ए ए ओ औ, सारे के सारे जो स्वर होते हैं सभी आपके सघोष होते हैं। तो इसलिए आपका ए स्वर सघोष तो है ही है। फिर आपका ये संयुक्त स्वर भी है। क्यों? ए कैसे बनता है? संधि में अभी पढ़ा ना, किसमें? संधि में आपका ए की मात्रा कैसे बनती है? ई से। अ के साथ, अ या आ के साथ अगर आपकी ई या ई की मात्रा जुड़ जाए तो ये आपका संयुक्त स्वर भी है। फिर पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होता है? अग्र स्वर का उल्टा, कि जिसके उच्चारण में जीभ के पीछे भाग से आवाज आए, ए, तो पीछे से आवाज आ रही है तो ये आपका पश्च स्वर भी है, लेकिन संवृत स्वर नहीं है। क्यों? ए, ए बोलने में आपका मुख कंपैरेटिवली ज्यादा खुलता है तो ये आपका अर्ध संवृत है, कि बहुत ज्यादा तो नहीं खुला लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा खुला, तो ये आपका संवृत स्वर नहीं आएगा, अर्ध संवृत स्वर आएगा। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां तक अगर कुछ ना क्लियर हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, इस चीज को दोबारा देखिएगा जब भी आपको समय मिले। आगे देखिए, अब व्याकरण की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? बस दो प्रश्न रह गए, जल्दी जल्दी कीजिए। व्याकरण की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? हिम्मत, सभी, बेवजह और महक। संवृत का मतलब होता है कि आपका मुख बहुत ही कम खुला है और वो चार होते हैं, ई ई ऊ ऊ, चार स्वर तो याद कर लिए संवृत हैं, और आ विवृत है, तो संवृत और विवृत तो ये हो गए, बाकी जो दो बचे वो अर्ध संवृत और अर्ध विवृत में घूमते रहते हैं। चलिए 18th का सी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सी? ऐसा क्या है बेवजह में? बेवजह ही बेवजह कह रहे हैं, हाँ? बाकी शब्दों की पहचान पता भी है आपको क्या क्या है? हिम्मत, हिम्मत है मतलब कि हौसला है, या आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द है। सभी, या आपका विशेषण शब्द है, कि सभी लोग आ जाओ तो ये आपका विशेषण है। और महक, जिसे आप देख नहीं सकते महसूस करते हैं, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा है, ये विशेषण है, तो उत्तर तो इनमें से आना चाहिए था, लेकिन बेवजह क्या है? बेवजह आपका अव्यय है, यानी कि बाकी के आपके विकारी शब्द थे, ये आपका अविकारी शब्द है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, वो मैं जस्ट आपको छेड़ रही थी, फंसा रही थी जस्ट, ठीक है। तो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, चारों के चारों विकारी शब्द होते हैं, अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन गलत करने से ही आपको सही आंसर का पता चलता है, तुक्का मारा था, कोई बात नहीं। आगे देखिए, निम्न शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, खग, फखेरू, पतंग या मारूत, बताइए सही उत्तर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, या कह लीजिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी कह लीजिए आप, निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा नहीं है? वंदना का सबसे पहले सही उत्तर, फिर अरुणा, रितेश, शिल्पा, वेरी गुड, लेकिन करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा, मारुत। मारुत मतलब क्या होता है? हनुमान जी को मारुति क्यों कहते हैं? हवा, पवन। लेकिन खग, पखेरु और पतंग पक्षी को कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। फिर आगे देखिए, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? अल्पज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या अवज्ञ? तो 20th का अनिल, बिल्कुल सही उत्तर।
सभी का सही उत्तर है भाई, सभी का। अल्पज्ञ मतलब होता है जिसे कम ज्ञान हो, सर्वज्ञ होता है जिसे सारा ज्ञान हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ही आएगा। और अभिज्ञ मतलब होता है केवल और केवल जानकार, अवज्ञ होता है मूर्ख। ठीक है, आगे देखिए। और आखिरी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना है कि अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। तो चलिए आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशन फायदेमंद लगे तो जरा सभी टीचर्स के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। आपने इतनी मेहनत की, अपने लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नए प्रश्नों के साथ, सोमवार को शाम को चाय के साथ, ठीक है ना, चाय पे चर्चा। तब तक के लिए भाई तैयारी अपनी अच्छे से रखिए, लेकिन याद रखिएगा कल हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे दोपहर को 1:30 बजे। अब आपसे मंडे से पहले कल मुलाकात होगी दोपहर को 1:30 बजे। तो कल का 1:30 बजे वाला सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सेशन चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम कल इस टॉपिक पर जरा सेशन ले लीजिए, हम आपको जरूर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं फिर आपसे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।